Hello everyone, welcome back to our channel. This is me, Iman, and Mozam, and you are watching News, Views and Updates. और आज जिस वीडियो पर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं दैट इज अ ट्रेलर ऑफ माधुरी दीक्षित मूवी और इसका नाम है बकेट लिस्ट. तो आई थिंक काफी टाइम के बाद माधुरी की मूवी आ रही है. बिल्कुल. और वैसे भी शी इज वेरी गॉर्जियस लेडी. वो तो शुरू से ही ऐसी है. स्माइल, उनकी अदाएं, उनके लटके झटके किसको नहीं पसंद आया. तो बूढ़े से लेके जवान तक, जवान से लेके बूढ़े तक, हर बंदा उनका फैन है. तो बेसिकली ये एक मराठी मूवी है और ये धर्मा प्रोडक्शन के अंडर इसको बनाया गया है. तो आई थिंक पहले हम इसका ट्रेलर देखते हैं और उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच द ट्रेलर. बिल्कुल. राधिका, तुला बकेट लिस्ट म्हणजे काय माहिती आहे? ऑफकोर्स. तुझी आहे बकेट लिस्ट? ऑब्विसली. बकेट लिस्ट इज माय आयडेंटिटी. त्याच्याशिवाय माझ्या लाईफला काही पर्पजच नाही. तुला सांगितलं तर तू माझी लाईफ इम्पॉसिबल करून टाकशील. असं काय त्यात? ही भाजी आई बाबांची, ही राधिकाची, ही मोहनची. त्याला नारळ आवडत नाही. मोम छान आहे. आणि त्याच्या खाली काय? हिल्स. फक्त हिल्स? किती दग्ध करतेस तू? तुझी काळजी वाटते ग. तू बरी झालीस तो जो कोणी हृदय देणारा आहे ना, परमेश्वर त्याचं भलं करो. ग्रेटच होती आमची सही. 8 जणांना नवीन आयुष्य दिलं तिने. तिच्या आयुष्याची किंमत काय होती ते आज तुम्हाला बघून कळलंय. मला सईबाईंची बकेट लिस्ट ती लिस्ट पूर्ण करायच्या आधीच केली. आता सईच नाहीये तर तिची बकेट लिस्ट पण ठेवून काय उपयोग आहे? बकेट लिस्ट म्हणजे इच्छा, आकांक्षा, विशेस. मला वाटतं की त्या मी पूर्ण कराव्या. तू करणार? आजपासून मी बाईक शिकायला जाणार. आईंना आवडेल का नाही? तिला काय आवडेल हे जाणून घेण्यासाठी ब्रह्मदेवाला खाली यावं लागेल. काय घेणार? आधी वाईन, अब वोडका आणि लिंबू. दारू पिणे से यकृत विकृत होत आहे. लोक व्हायरल जातात म्हणजे कुठे जातात ग? व्हायरल जात नाही, व्हायरल होतात. हिरवे हिरवे गार गालीचे. सईची विशलिस्ट पूर्ण करते आपण, रिमेंबर? हो अर्थात. मग यात सई कुठे? दुसऱ्याची लिस्ट पूर्ण करण्याच्या भानगडीत पड नकोस. मला चालणार नाही. इट्स नो मोर जस्ट अ लिस्ट, इट्स द पर्पस ऑफ युअर लाईफ. काय करता तुम्ही हल्लीच्या पोरी? आता ती साईज बघ ना, तिला पण सेल्फी हवी होती आणि ते पण रणबीर कपूर बरोबर. वा, तो उसमें क्या बुरा है? हाँ, हमने ट्रेलर तो देख लिया, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मुझे एक चीज फील हुई कि वैसे समझ मुझे बिल्कुल नहीं लगी, लेकिन ये समझ जरूर लगी कि कमेंट बहुत आएंगे. नहीं एक्चुअली क्योंकि मराठी में थी तो हाँ. थोड़ा मतलब समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि मूवी जो जहां तक समझ आई है मूवी की, उसमें यही है कि आई थिंक वो एक हाउसवाइफ है और उसके बाद मे बी जैसे कि क्योंकि सब टाइटल्स तो चल रहे थे तो उससे जो थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, मुझे ऐसे लगता है जैसे कि स्टोरी इस तरह से है कि वो एक हाउसवाइफ है और फिर मे बी उनको किसी ने हार्ट डोनेट किया होता है. बीच में एक सीन शायद आपने देखा जो स्टेज पे वो खड़ी होती है और एकदम से वो गिर जाती है और जिसने हार्ट डोनेट किया था आई थिंक फिर वो उसकी जो विशेज होती है उसको पूरा करती है कि वो किस तरीके से मतलब अपनी जिंदगी की विशेष पूरा करना चाह रही थी. और एंड पे जैसे कि देखा कि रणबीर कपूर आते हैं कैमियो रोल में, वो इस मूवी में अपेयर होंगे. ख्वाहिश होती होगी ना कि रणबीर कपूर से भी मैं मिलूं रणबीर कपूर के साथ, तो वो भी वहां पर होते हैं. तो अच्छा समहाउ मुझे लगा कि जैसे मराठी और जो हिंदी है कुछ कुछ वर्ड सिमिलर है ना दोनों लैंग्वेजेस के.
इनके समझ थोड़ी बहुत अल्फाजों की लग जाती है, लेकिन जब वो एक फ्लो के साथ बोलते हैं ना मराठी, फिर तो बिल्कुल समझ नहीं लगती क्या बोला है। नहीं, वो रुक रुक कर भी बोलेंगे तो भी समझ नहीं आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि सिमिलर हैं। और इसके इंग्लिश काफी यूज की गई है बीच में, इंग्लिश काफी ज्यादा थी। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा लेकिन मेरे लिए क्योंकि एक नई इन्फॉर्मेशन थी तो आई थॉट टू शेयर इट विद यू कि मराठी जो है वो मदर टंग है माधुरी दीक्षित की। और मेरे भी नहीं हुए और बहुत टाइम से वो ये चाह रही थी कि वो किसी मराठी मूवी में काम करें, एंड फाइनली वो उन्हें चांस मिल गया है और वो अब हमारे सामने। वैसे एक बात है, करण जौहर बहुत लोगों की विश पूरी करते हैं। हाँ, लेकिन मतलब अच्छी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। वो तो वैसे ही शुरू से ही प्यारी है। हाँ, मुझे तो उनकी स्माइल पसंद है, यू नो शी लुक्स। इन्हें खाली स्माइल पसंद है, मुझे वैसी बड़ी पसंद नहीं। उनके मुझे उनका डांस भी बहुत पसंद है। यू नो मैं ये सोचती हूँ कि माधुरी दीक्षित जैसा ठुमका कोई नहीं लगा। अच्छा, वैसे इस मूवी में बड़ी देर बाद दोनों बहनें इकट्ठी आई हैं। दोनों बहनें कौन? हम आपके हैं कौन में, ये भी चीज मेरे ख्याल उस टाइम के बाद ये लोग अब इकट्ठे आए हैं। हाँ, और उस टाइम तकरीबन कितने साल बाद, 1994 24 साल बाद। बहुत लंबा टाइम है, लेकिन चलो फाइनली हमें दोनों बहने ऑन स्क्रीन बहनों को, भाभी और जेठानी के। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि उसमें वो भाभी और जेठानी, मेरे ख्याल में कि नहीं, वो पहले बहने होती है ना, तो फिर बेचारी वो डेथ हो जाती है ना। लेकिन इस मूवी में मुझे लग रहा है कि वो बनी है जो डोनर है ना, उसकी मैं भी मदर हूँ, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो वेल ये तो थी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, बहुत ही प्लेजेंट और एक हैप्पी हैप्पी सी, मुझे अच्छा लगा, मतलब ट्रेलर जो उनका था वो अच्छा लगा। तो अभी आपने क्या करना है, क्या करना है? सब्सक्राइब करना, अच्छा, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। तब तक के लिए हमें दे इजाजत, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।